गोपालगंज नाम के एक खूबसूरत गांव में धुनिया नाम का एक चरवाहा अपने परिवार के साथ रहता था। धुनिया गरीब था, लेकिन वो बहुत ही दयालु और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पुष्पा और बड़ी बेटी दीपू और छोटा बेटा राजू रहता था। धुनिया के मालिक चंदन के पास ढेरों बकरियां थी। धुनिया का मालिक चंदन बहुत ही लालची, कंजूस और गुस्सैल था। एक दिन धुनिया अपनी बेटी दीपू के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए जाने लगा। तभी उसका मालिक बोला, सुन धुनिया, जंगल से आते वक्त कुछ लकड़ियां और बकरियों के खाने के लिए पत्ते भी जमा कर लाना। काम चोरों की तरह खाली हाथ मत लौट आना। जी मालिक। धुनिया का मालिक चंदन अपनी बकरियों को अच्छे से खिला पिला कर मोटा तगड़ा कर रहा था, ताकि वो अपनी बकरियां कसाई को अच्छे दामों में बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन उन्हीं बकरियों में से एक छोटी प्यारी बकरी चंदा से धुनिया की बेटी दीपू का बहुत ही लगाव था। वो चंदा को अपनी गोद में लेकर अपने हाथों से चारा खिलाती और उसके साथ खूब खेलती। बाबा, क्या हम चंदा को अपने साथ अपने घर में रख सकते हैं? नहीं बेटी, ये मालिक की बकरियां हैं, और तू इस बकरी से इतना प्यार मत कर। क्या पता किस दिन मालिक इस मासूम को किसी कसाई को बेच दे और तेरा मन दुखी हो जाए। नहीं बाबा, मैं चंदा को कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटी, तू यहीं रुक और बकरियों का ख्याल रख। मैं जंगल से कुछ पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा करके अभी लाता हूँ। धुनिया कुछ दूरी पर लकड़ियां और बकरियों के लिए हरे पत्ते इकट्ठा करने चला गया और थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा। बेटे, शाम होने को है, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो यहाँ खतरा हो सकता है। धुनिया और उसकी बेटी मालिक के यहाँ लौट आए। तभी धुनिया के मालिक की नजर उनकी बकरियों पर पड़ी, जिनमें से एक बकरी कम थी। वो गुस्से से बोला, धुनिया, इसमें एक बकरी कम है जिसे मैं कल कसाई के पास बेचने वाला था। पता नहीं मालिक, मैं तो सभी बकरियां एक साथ ही लाया था। जरूर तूने मेरी बकरी चोरी करके कसाई के यहाँ बेच दी होगी। अगर कल तक मुझे मेरी बकरी या 10,000 रुपए नहीं मिले तो धुनिया, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। अब धुनिया बहुत ही घबरा गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगली सुबह धुनिया और उसकी बेटी बकरी की तलाश में जंगल गए, लेकिन उन्हें वो बकरी कहीं नहीं मिली। तभी दीपू की नजर एक सुनहरी बकरी पर पड़ी, जिसका पैर एक जाल में फंसा हुआ था, और कुछ जंगली कुत्ते उस बकरी पर हमला करने लगे। ये देख दीपू ने उस प्यारी सुनहरी बकरी की जान बचाई और कुत्तों को मार भगाया। तभी अचानक वो सुनहरी बकरी बोलने लगी, बेटी, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया। बकरी को बोलता देख धुनिया और उसकी बेटी हैरान रह गए। धुनिया बोला, ये क्या, तुम तो बोल रही हो और तुम्हारा रंग भी सुनहरा है। तो बकरी बोली, हाँ, मैं एक जादूगरनी थी, लेकिन एक महात्मा के दिए श्राप की वजह से मैं बकरी बन गई। लेकिन तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? धुनिया ने बकरी को अपनी परेशानी के बारे में बताया। बकरी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जो भी खाती हूँ वो सोना बन जाता है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, कल तक मैं तुम्हें खूब सारा सोना दूंगी। धुनिया बकरी को अपने घर लाया और उसे खूब चारा खिलाया, और अगली सुबह बकरी ने जो खाया था वो सब सोने में बदल गया, और धुनिया के आंगन की जमीन में सोने ही सोने बिखरे पड़े थे। ये देखकर धुनिया और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। धुनिया ने कुछ सोना बेचा और अपने मालिक के पैसे चुका दिए, और धीरे धीरे धुनिया अपने मालिक से भी अमीर हो गया। लेकिन धुनिया के अचानक अमीर बनने के कारण चंदन को शक हो गया और उसे सुनहरी बकरी का राज पता चल गया। चंदन ने वो सुनहरी बकरी धुनिया के घर से चुरा ली और अपने घर ले गया, और बकरी को सोना देते देख वो बहुत खुश हो गया। लेकिन उसका लालच और बढ़ गया और उसकी पत्नी बोली, अजी, आखिर कब तक इस बकरी को खाना खिलाकर हमें सोने का इंतजार करना पड़ेगा? देखा नहीं, हमारा नौकर धुनिया हमसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। किसी और को इस बात की भनक लगे, इससे पहले इस बकरी के पेट से सारा सोना निकाल लेते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, आज इस बकरी को खूब खाना खिलाओ, ताकि कल इसके पेट में खूब सारा सोना हो जाए और कल सारा सोना हम निकाल लें। अगली सुबह चंदन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वो बकरी के पास गए और चाकू से उस बकरी का पेट चीर दिया, लेकिन उन्हें बकरी के पेट में एक भी सोना नहीं मिला। तभी बकरी के अंदर से एक औरत की आत्मा निकली और वो हंसते हुए बोली,
दोनों बहुत ही बुरे और लालची हो, इसलिए तुम्हें सोना नहीं मिला। लेकिन तुम्हारी लालच की वजह से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। और वो आत्मा गायब हो गई। चंदन और उसकी पत्नी अपनी लालच की वजह से अपना सर पकड़कर रोने लगे। इसलिए कहते हैं, ज्यादा लालच बुरी बला है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में समुद्र किनारे सुभाष नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी शांता और दो बच्चों के साथ रहता था। सुभाष रोज सुबह मछलियां पकड़ने जाता और शांता घर संभालती और बच्चों की देखभाल करती। उनकी गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ, आज ज्यादा मछलियां पकड़नी पड़ेंगी, तभी तो मैं मुनिया के स्कूल की फीस जमा कर पाऊंगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा लालच में अपनी जान जोखिम में मत डालना। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। सुहास मछली पकड़ने के लिए चला गया। ज्यादा मछलियां पकड़ने की लालच में सुहास अपनी बोट लेकर समुद्र के बीचों बीच जाने लगा। तभी एक मछुआरा बोला, अरे भाई वहां मत जाओ, वहां रानी मछली अपने बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चों पर संकट आते ही वो हमला कर देती है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे घर चलाने के लिए अब ज्यादा पैसों की जरूरत है। रानी मछली अपने बच्चों का ख्याल रखती है तो मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सुभाष ने उस मछुआरे की एक ना सुनी और समंदर के बीचों बीच चला गया। जैसे ही सुभाष ने जाल फेंका, उस जाल में रानी मछली का एक बच्चा फंस गया। ये देखकर रानी मछली ने उस पर हमला कर दिया और सुहास बुरी तरह घायल हो गया। ये देख पास के कुछ दूसरे मछुआरे घायल सुहास को उसके घर ले गए। अपने पति को घायल देख शांता फूट फूट कर रोने लगी। अरे देवा, हे कैसा लो, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा था पैसों का ज्यादा लालच ठीक नहीं। सुहास की हालत देख डॉक्टर ने कहा, जख्म गहरा है, इनके इलाज में बहुत खर्चा आएगा, मैं अभी कुछ दवा दे देता हूँ, बाकी दुआ ही काम करेगी। अब सुभाष को बीमार पड़े महीनों बीत गए, लेकिन ना दवा काम आई ना दुआ। आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए, भगवान की कृपा से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बीमारी बढ़ती जा रही थी और घर की माली हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसके सामने अब दो चुनौतियां थी, एक तो घर चलाना और पति का इलाज करवाना। उसने ठान लिया कि अब वो कमाएगी और घर का खर्चा चलाएगी और पति का अच्छा इलाज भी कराएगी। शांता ने एक सुनार के पास अपने गहने गिरवी रखकर कुछ रुपए उधार लिए। इसके बाद मछलियां खरीदकर उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। रोज सुबह खाना बनाना और पति को दवा पिलाना, मछली खरीदना और उन्हें बाजार में बेचने जाना, उसके लिए ये सब बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ओ मैडम जी, यहाँ आइए, ताजी मछली लेकर जाइए। इस बड़ी मछली का दाम क्या है? ज्यादा नहीं, 100 लगेगा, मछली लई भारी है। 90 रुपए ले लो और काट कर साफ करके दे दो। जी मैडम जी, अभी देती हूँ। उसने कई दिन मछली बेचकर पैसे इकट्ठा किए। बस थोड़े पैसे और जुड़ जाए तो मैं मेरे पति का अच्छा इलाज करा सकती हूँ। अगले दिन शांता मछली खरीदने समुद्र के किनारे गई। वहाँ उसने देखा कि एक मछुआरे ने रानी मछली के बच्चे को पकड़ लिया है। शांता समझ गई थी कि रानी मछली बहुत दुखी और गुस्से में होंगी और वो अब दूसरे मछुआरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए शांता ने अपने सारे जमा किए हुए पैसे उस मछुआरे को देकर रानी मछली के बच्चे को फौरन खरीद लिया और उन्हें समुद्र में वापस छोड़ दिया। और बच्चे अपनी माँ रानी मछली के पास वापस लौट गए। अपने बच्चों को देख सुनहरी रानी मछली बहुत खुश हो गई। लेकिन अब सारे पैसे जाने के बाद शांता बहुत दुखी हो गई थी और वो समंदर के किनारे अकेले बैठकर अपने पति के इलाज के बारे में सोचने लगी। अब मैं क्या करूंगी, मेरे सारे जमा किए हुए पैसे खर्च हो गए, अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी और मेरे बीमार पति का इलाज कैसे होगा। तभी समुद्र किनारे के पास रानी मछली आई और बोली, तुम्हारे दुख की वजह मैं हूँ बेटी, मैंने ही तुम्हारे पति को घायल किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बच्चों की जान बचाई। तुम बहुत दयावान हो और ईमानदार भी हो, इसलिए तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। रानी मछली ने अपने मुंह से 3 कीमती हीरे की अंगूठियां उंगली और बोली, इससे तुम्हारा सारा जीवन खुशी खुशी गुजर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है, इसलिए इसकी असली हकदार तुम ही हो। शांता की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े और रानी मछली वहाँ से चली गई। शांता अपने घर पहुँची
और सारी घटना के बारे में उसने अपने बीमार पति को बताया। ये सुनकर सुहास की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि मेरे लालच की वजह से ही मुझे ये सजा मिली है और तुम्हें तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से ये इनाम मिला है। अब मैं इन्हें बेचकर आपका अच्छे से इलाज कराऊंगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। शांता ने एक अंगूठी जौहरी को बेच दी और उन पैसों से अपने पति का अच्छे से इलाज करवाया। मुनिया और राजू अच्छे स्कूल में जाने लगे और फिर सुभाष अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे जाकर उसने रानी मछली से अपने भूल की माफी मांगी और रानी मछली का शुक्रिया भी अदा किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें विपत्ति के समय हार नहीं माननी चाहिए और लालच छोड़कर हमेशा सही राह पर चलना चाहिए, क्योंकि दूसरों का भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। दो दोस्त थे, गणेश और रमेश। वो दिन भर जंगल में जाकर गुणकारी पेड़ों के पत्ते जमा करते और दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचकर आधा आधा मुनाफा बांट लेते। इस काम के कारण दोनों की जिंदगी अच्छी बीत रही थी। एक दिन गणेश जंगल में गुणकारी पेड़ों के पत्ते खोज रहा था, तभी उसकी नजर एक अनोखे सुनहरे हिरन पर पड़ी। गणेश ने उस हिरन का पीछा किया और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने हिरन को पकड़ लिया। रोज की तरह वो अपने रास्ते से जा रहा था, ठीक उसी वक्त उसके सामने एक बड़ी और सुनहरी हिरन आई और गणेश के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुमने मेरी बेटी को क्यों कैद किया? हिरन को बातें कर देख तो गणेश के होश ही उड़ गए और बोला, क्या तुम बोल सकते हो? इस पर हिरन बोली, हाँ मैं बोल सकती हूँ, मैं जादुई हिरन हूँ और तुमने जिसे कैद किया है वो मेरी बेटी है। अगर तुम जादुई हिरन हो तो इस जंगल में क्या कर रही हो? गणेश ने पूछा। मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं और यही हमारा सब कुछ है। आप कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें जो चाहे दे सकती हूँ। हिरन बोली, तुम मुझे क्या दे सकती हो? तब सुनहरी हिरन ने अपनी आंखें बंद की और गणेश के सामने सोने का घड़ा आ गया। ये देखकर गणेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उस छोटे हिरन को छोड़ दिया और वो घड़ा ले लिया। गणेश को घर की ओर आते वक्त रमेश ने देखा कि गणेश के पास के घड़े में से एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा। फिर रमेश ने गणेश का पीछा किया। गणेश घर गया और पत्नी को पूरी हकीकत बताई। उसकी पत्नी ने वो घड़ा छुपा कर रख दिया। सोने चांदी के सिक्कों का घड़ा देखकर रमेश चौंक गया। तभी रमेश ने सोचा कि मुझे भी ऐसा घड़ा चाहिए और वो तुरंत गणेश के पास गया और उससे पूछा, गणेश मैंने सब देख लिया है, अब सीधी तरह से सच सच बता कि ये घड़ा तुझे कहां से मिला है, वरना मैं गांव के सभी लोगों को ये बात बता दूंगा। गणेश के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने रमेश को सब बता दिया और उसके बाद वो जंगल जाकर उस सुनहरी हिरन की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन रमेश को वो सुनहरी हिरन दिख गई। रमेश चुपके से उस हिरन के पास गया। जैसे ही वो उस हिरन को पकड़ता, तभी एक शेर वहां आ गया और जोर जोर से गरजने लगा। शेर का भयानक रूप देखकर रमेश डर गया और इधर उधर भागने लगा। शेर और हिरन उसका पीछा करने लगे। फिर भागते भागते रमेश अपने घर पहुंचा और बोला, बाप रे बाप, आज तो मैं सच में मर जाता, भगवान की कृपा से बच गया। मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, जान बची तो लाखों पाए। तो बच्चों, क्या सीखा इस कहानी से? कि ज्यादा लालच बुरी बात है, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता।